नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसमाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। मित्रों, बसंत का यह वातावरण आनंदित हो रहा है। अनेक प्रकार के जीवन के अंदर उथल पुथल जैसे चलती है चल रही है, और वैसे भी राम राज्य में आनंद की प्रतिभूति चारों तरफ फैली हुई है। 22 जनवरी को आपने देखा राम लला जी अपने स्थान पर विराजमान हो गए। वैसे सांसारिक रूप से राम हरेक जीव के अंदर व्याप्त है, तुझमें राम मुझमें राम, राम ही राम समाया, सब जगह उस परमात्मा का ही स्वरूप है। वह स्वरूप कभी शयन नहीं करता, वह स्वरूप कभी अलोप नहीं होता, वह स्वरूप कभी अदृश्य नहीं होता, वो तो सदैव आपके समक्ष बना रहता है। हम जो जो कर्म करते हैं वो परमात्मा उसको देखता है, समझता है और उन कर्मों के हिसाब से हमें भी सफलता देता है। आपने देखा होगा कभी बगीचे में जाइए, विभिन्न प्रकार के फल फूल लगे होते हैं। किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज परमात्मा किसी ने देखा है? उस व्यक्ति को एक बियावान बाग में लेके गए, अनेक प्रकार के फूल पत्तियां खिली हुई थी, उनमें देखा कि कहाँ परमात्मा है। जिस प्रकार से फूल की खुशबू दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है, उसी प्रकार से परमात्मा भी कहीं बाह्य रूप में नहीं, वो तो जीव चराचर में व्याप्त है, वो सभी कण कण में बसा हुआ है, इसलिए परमात्मा सर्वत्र है। बगिया में अनेक प्रकार के फूल सजे हुए हैं, कहीं गुलाब है, चंपा है, चमेली है, गेंदा है, कनेर है। इन फूलों की अपनी अपनी खुशबू है, अपनी अपनी उपमा है, अपना अपना रूप है। मन किस रूप किस फूल में प्रफुल्लित हो जाए कहा नहीं जा सकता। उसी प्रकार से परमात्मा के बनाए हुए अनेक जीव इस संसार में व्याप्त हैं, सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। तो आइए इस बसंत पंचमी को अपने मन में उन्मादित होते हुए आनंद की प्रतिभूति लें। यह उत्सव माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व वास्तव में ऋतुराज बसंत की आगवाने की सूचना देता है। इस दिन से ही होरी तथा धमार गीत प्रारंभ किए जाते हैं। गेहूं तथा जौ की स्वर्णिम बालियां भगवान को अर्पित की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु तथा सरस्वती के पूजन का विशेष फल है। विद्यालयों में नए विद्याध्ययन के लिए छात्रों को, बालक बालिकाओं को इसी दिन आनंद के साथ में नए उसमें पढ़ाया जाता है। बसंत ऋतु कामोद्दीपक होता है, अतः इसलिए चरक संहिता कारक है, कथन है इस ऋतु में स्त्रियां तथा वनों का सेवन करना चाहिए, अर्थात काम उपवासना अर्थात संतान की उत्पत्ति के लिए यह ऋतुकाल बहुत उत्तम है। इसके प्रमुख देवता काम तथा रति हैं, अतएव काम तथा रति की प्रधानतः पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के आगे से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि की रचना करके जब उसे संसार में देखते हैं तो चारों सुनसान निर्जन ही दिखाई देता था। उदासी से सारा वातावरण मुक्सा हो गया था, जैसे किसी के वाणी न हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी तथा मालिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल कणों के पड़ते ही वृक्षों से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो दोनों हाथों से वीणा बजा रही थी तथा दो हाथों में क्रमशः पुस्तक तथा माला धारण किए थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाकर संसार की मुक्तता तथा उदासी दूर करने को कहा, और तब उस देवी ने वाणी के मधुर नाद से सब जीवों को वाणी प्रदान की, इसलिए उस देवी को सरस्वती कहा गया। यह देवी विद्या बुद्धि देने वाली है, इसलिए इस दिन घर में सरस्वत घरों में सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी दिन घर घरों में पीले चावल बनाए जाते हैं। नई बालियां खेतों में उफलती रहती हैं, उनको भगवान विष्णु को चढ़ाया जाता है। इसी दिन ब्राह्मणों में उपनयन संस्कार इत्यादि होता है। वेद मंत्रों के द्वारा माँ सरस्वती का आह्वान होता है, विद्या प्रदान करने के लिए भगवती का आह्वान किया जाता है। इसी दिन अनेक प्रकार के
उत्सव स्वरूप में इसको मना करके बसंत का आनंद प्रतिभूता होता है। इसलिए इसी दिन अपनी इच्छा अनुसार पीले वस्त्रों में, पीले अन्न में, पीले धन में, पीला वर्ण जो है शुभता का चिन्ह है। वातावरण को सुगंधित आनंदित मोदक करने के लिए यह पीला वर्ण दिया गया है। आप अगर कहीं गाँव में जाओ तो समय हरियाली पीले पीले फूल खिले होते हैं चारों तरफ। सरसों के पल्लव बड़े सुंदर होते हैं, इन्हीं के द्वारा आगे वनस्पति उत्पन्न होती है, खेती हरी भरी रहती है। ओश की बूंद जब इनके ऊपर पड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे पृथ्वी पे मोती बिखरे हुए हों। यह आनंदित होती है। इस प्रकार से नए संबत के आने की यह प्रक्रिया प्रथम प्रक्रिया है। इसी बसंत पंचमी के अंतर्गत ही आगे उन्मादित नए उत्सव का, नए आनंद का प्रतिभूति होती है। धीरे धीरे हम जो है सुखमय आनंद के साथ में जाते हैं। और जैसा कि अब हमारा नया संवत आ रहा है, विक्रमी संवत, वो जो है 8 अप्रैल से 9 अप्रैल से शुरू होगा, तो उस संवत के लिए भी यह एक परिपूर्णता की ओर होता है, उग्रता की ओर होता है। चैत्र मास से नया संवत हमारा शुरू होगा, वही आनंद का प्रतिभूत होता है। मित्रों, हमारी जो संस्कृति में है, हर प्रकार सूर्य और चंद्रमा के साथ में जुड़ करके आनंद को उद्वत्त करती है, उन्नत करता है, जिससे शरीर मन चित्त सब सुखमय हो जाता है। इन्हीं विचारों के साथ आइए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है, कृपा करके आप नए नए विचारों से मुझे भी रूबरू करवाएं, ताकि मैं उन विचारों को अपने साथ जोड़ करके अपने इस वीडियो में आपके समक्ष रख सकूं। कई बार मेरे मित्रों ने बहुत अच्छी अच्छी सलाहें दी हैं, मेरी कोशिश ही रहती है मैं उन सलाहों पे चलूं। कई मित्रों ने मुझे कहा कि आचार्य जी थोड़े से प्रसंग को बड़ा कीजिए, थोड़ा धर्म की व्याख्या भी कीजिए, थोड़ा विचारों की भी व्याख्या कीजिए। अब मित्रों, जब विचार आपके मेरे पास आएंगे, उन विचारों के साथ में मैं इन कथाओं को, क्योंकि मैं देखता हूँ कथाएँ वार्ताएँ तो चलती रहती हैं, सुनते रहते हैं लोग, हम भी सुनते रहते हैं। जिसको जो सुगमता से मिल जाए, जो सरलता से मिल जाए, वही आनंद की प्रतिभूति होती है। परंतु मेरा यह मानना है कि सर्वप्रथम अपना शरीर, उसके बाद अपना परिवार, उसके बाद अपना कुटुंब, उसके बाद अपना समाज, धीरे धीरे करते करते और तब देश के प्रति हों। कहते हैं जब देश है, जब जहान है, तभी हम हैं। जिस मिट्टी के अंतर्गत हम जुड़े हुए हैं, जिस मिट्टी से हम बने हुए हैं, उस मिट्टी के साथ में यदि हम समर्पित होकर के कार्य करें तो आनंद की प्रतिभूति होती है। यही देश के, यही समाज के, यही सच्चे देशभक्त की परिभाषा बनती है। मित्रों, उन लोगों के लिए जो हमारे बॉर्डरों पे हमारे मित्र भाई, फौजी भाई जो है सदैव रक्षा कर रहे हैं, जिनके प्रखर प्रयास के द्वारा हम इस समाज में आनंद के साथ में उत्सवों को मना रहे हैं, उनके लिए अपने मन से, तन से, धन से देशभक्ति का एक स्वरूप दें तो आनंद की प्रतिभूति होगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।